हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज का टॉपिक है एनालॉग इनपुट की स्केलिंग कैसे करते हैं। तो एनालॉग इनपुट की स्केलिंग आज हम कॉम्पैक्ट लॉजिक में पॉइंट आईओ को लगा करके, एक पॉइंट आईओ का 8 चैनल का एनालॉग इनपुट हमने इसमें लगा रखा है, इसको ही पीएलसी में कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर हम इसमें एनालॉग इनपुट की स्केलिंग करेंगे। हमने इसमें एक मिलीएम्पियर सोर्स लगा रखा है, ये एक ट्रांसमीटर की तरह काम करेगा। ट्रांसमीटर का आउटपुट 420 मिलीएम्पियर होता है, तो वैसे ही हमने यहाँ पर एक मिलीएम्पियर सोर्स लगा रखा है जो हमको 420 मिलीएम्पियर सिग्नल देगा, जो कि पीएलसी इसको सेंस करेगी। ये इसका वायरिंग हमने, ये एक वायर इसका जो पॉजिटिव है ये हमारे कार्ड के पॉजिटिव में चला गया, दूसरा ये हमारा यहाँ कॉमन में लग गया और इस तरह से इसकी वायरिंग हो गई एनालॉग इनपुट सिग्नल की। जो 420 मिलीएम्पियर के ट्रांसमीटर कैसे वायर होते हैं उसकी एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, तो 4 वायर और 2 वायर ट्रांसमीटर की वायरिंग कैसे होगी उसके वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर 4 वायर और 2 वायर ट्रांसमीटर की वायरिंग का वीडियो देख सकते हैं। इंडस्ट्री में वाइडली जो सिग्नल हैं, दो ही तरह के सिग्नल हैं, एक 420 मिलीएम्पियर का और दूसरा 0 से 10 वोल्ट का। तो 420 मिलीएम्पियर सिग्नल सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, तो उसी की हम स्केलिंग करेंगे। इस टॉपिक को हम बोर्ड पर डिस्कस करते हैं, तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। एनालॉग इनपुट स्केल कैसे होता है पीएलसी के अंदर, इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि जो भी सिग्नल फील्ड से आता है 420 के फॉर्म में या 0 से 10 वोल्ट के फॉर्म में आता है, मैं आज 420 मिलीएम्पियर को डिस्कस करूंगा, तो जो पीएलसी का एनालॉग इनपुट होगा उस पर 4 मिलीएम्पियर 20 मिलीएम्पियर सिग्नल हम फील्ड से सिग्नल पीएलसी पर आएगा। तो जो भी सिग्नल 420 मिलीएम्पियर का आएगा वो पीएलसी क्या करेगी, पीएलसी अंदर उसको एक रॉ काउंट में कन्वर्ट कर लेगी। रॉ काउंट क्या, रॉ वैल्यू मान लीजिए ये तो फील्ड से सिग्नल आ गया, अब ये रॉ वैल्यू हो गई। 4 से 20 के बीच में जो भी सिग्नल आएगा उसको अलग अलग पीएलसी अपने रॉ काउंट में अपने हिसाब से रॉ काउंट बनाती हैं। कई सारी पीएलसी में हम सेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कॉम्पैक्ट लॉजिक के पॉइंट आईओज हैं उसमें हम सेट कर सकते हैं। तो हमने इसमें रॉ काउंट हमने मान लीजिए सेट कर दिए कि 4 मिलीएम्पियर पर 4000 काउंट ये सेंस करें और 20 मिलीएम्पियर पर 20,000 रॉ वैल्यू सेंस करें। वैसे ही इसके प्रोपोर्शनल बीच की कोई भी वैल्यू होगी तो वो इसी रेशियो में सेंस करेगा ऑब्वियसली। तो सपोज 8 मिलीएम्पियर, यहाँ अगर 8 मिलीएम्पियर हैं तो यहाँ 8000 रॉ वैल्यू ये सेंस करेगा। अब अगर 12 मिलीएम्पियर हैं तो ये 12000 सेंस करेगा। अगर 16 मिलीएम्पियर हैं तो ये 16000 काउंट को अपने अंदर सेंस करेगा। अब एक बार पीएलसी ने रॉ काउंट बना लिए तो अब आती है कि इस वैल्यू को, इसका कोई यूनिट नहीं होती है, ये सिंपल एक रॉ काउंट कन्वर्ट कर लेता है कि ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, ये इसका मान लीजिए अंदर इसने रॉ काउंट बना लिए। 4 से 20 मिलीएम्पियर की जो भी रेंज में आएगा इनपुट अपने रॉ काउंट बना लेगा। अब रॉ काउंट को एक सेंसिबल भाषा में समझने के लिए हम इसको कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको लेवल बना देता हूँ, तो लेवल को हमें, ये हमने मान लिया सपोज लेवल है, तो अगर हमने लेवल माना तो इसकी यूनिट्स परसेंट में होगी, तो परसेंट में हमको क्या होगा कि इसको 0 से 100 में स्केल करना पड़ेगा। तो 0 से 100 में अगर बीच के भी पोर्शन बताऊं तो ये 25% हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा और ये 75% हो जाएगा, और बीच के और भी जो भी होंगे वो भी इसी प्रोपोर्शनली हो जाएंगे।
अगर ये रॉ वैल्यू हम लेवल ना मान के इसको हम कोई टेम्परेचर मान लेते हैं तो उसकी यूनिट हम डिग्री सेल्सियस बना देंगे, और इसी रॉ काउंट को हम इस लेवल को ना बना करके इसको हम टेम्परेचर बना देंगे, और इसकी मान लीजिए मैंने रेंज दे दी, स्केलिंग कर दी 0 से 250 डिग्री सेल्सियस, तो इस यही रॉ काउंट हमारा फील्ड से ही सिग्नल वही आ रहा है 420 मिली एम्पीयर, अंदर रॉ वैल्यू वही बन रही है, सिर्फ हमने अपनी यूनिट चेंज कर दी, क्यों हम जानते हैं ये टेम्परेचर है, पीएलसी नहीं जानती ये टेम्परेचर है, लेवल है, प्रेशर है, फ्लो है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको अभी ये लेवल ना मान के हमने अगर टेम्परेचर मान लिया तो 0 से 250 ऐसे इसका आ जाएगा। तो मान लीजिए अभी ये मान लीजिए 250 की जगह 250 न करके 500 कर लेते हैं, 0 से 500 डिग्री सेल्सियस समझने के लिए, अब 12 मिली एम्पीयर पर कितना हो जाएगा 250 डिग्री सेल्सियस, इस पर 125 डिग्री सेल्सियस, और इस पर हो जाएगा 375 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ये उसी रेशियो में स्केल कर लेगा, ठीक। अब अगर मान लीजिए डिग्री सेल्सियस नहीं, कुछ और यूनिट है, प्रेशर है, तो प्रेशर के हिसाब से मान लीजिए वो स्केल कर देगा, तो मींस स्केलिंग एक हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि किस रेंज में हम इसको स्केल करें। अब इसको स्केल करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, इसको आप इजीली लैडर में लिख करके कर सकते हैं, जैसे कि स्केल आउट इक्वल टू इन रा माइनस इन रा मिन, ये डिफरेंस हो गया, इनटू स्केल मैक्स माइनस स्केल मिन, इसका डिफरेंस हो गया, डिवाइड बाय इन रा मैक्स माइनस इन रा मिन, इसका डिफरेंस हो गया, प्लस स्केल मिन। तो इस फॉर्मूले से हम इजीली इसको स्केल कर सकते हैं लैडर लॉजिक में, एक रंग लिख करके इसको स्केल कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए एक 8 मिली एम्पीयर का एग्जांपल ले लेता हूँ, फील्ड से मेरे पास 8 मिली एम्पीयर आ रहे हैं, तो स्केल आउटपुट कैसे स्केल करेगा, तो इसका अगर हम लेवल लेंगे तो मेरे को 25% आना चाहिए, कैसे आएगा रिजल्ट, ये 8 मिली एम्पीयर लिए, रॉ इन हमारी 8000 हो गई, रॉ इन मिन 0 मतलब 4000 से 20000 है, तो मिन होगी 4000 इंटू स्केल मिन स्केल मैक्स, मिन और मैक्स स्केल हमको करना है 0 से 100 में, तो ये 100 माइनस 0 डिवाइड बाई इन रा मैक्स माइनस इन रा 20000 माइनस 4000 प्लस स्केल मिन 0, तो ये हो गए 4000 इंटू 100 डिवाइड बाय 16000 प्लस 0, तो अभी ये 0 कट गई, अच्छा 400 डिवाइड बाय 16 यानी कि 25%। तो ये 25% जैसे कि यहाँ पर हमने बताया वैसे ही स्केल को के आगे। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये 12 मिली एम्पीयर का, तो अभी इस केस में हमारे इंद्रा हो जाएगी 12000 माइनस इंद्रा मिन 4000 इंटू वही है 100 माइनस 0
और 20,000 माइनस 4,000 प्लस जीरो, यानी कि ये हो गया आपका 8,000 इंटू 16,000, एक ये कट गई, तो ये हो गया 800/16 इक्वल टू 50%। तो इसके हमें 50% रिजल्ट मिल गया। तो इसी तरह से ये अलग अलग सिग्नल सेंस हो करके स्केल हो जाएंगे। तो ये तो रही स्केलिंग, लेकिन हमारे पास पहले से पीएलसी के अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो हम आरएस लॉजिक 5000 में इंस्ट्रक्शन ब्लॉक ही लगा करके उसको स्केल कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं पीसी पे और वहाँ पर आरएस लॉजिक 5000 में इसकी स्केलिंग करते हैं। अब हम आ गए आप अपने पीसी पर। ये मैंने आरएस लॉजिक 5000 सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है और इसमें मैंने एक कंट्रोलर L18 ले रखा है, कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम इसमें एक एनालॉग इनपुट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एनालॉग इनपुट कॉन्फ़िगर करने के लिए हम पॉइंट आईओ पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू मॉड्यूल करेंगे और यहाँ पर जो भी मेरा मॉड्यूल है 1734i8c ये लिखेंगे तो ये सर्च होके आ जाएगा। इसको क्रिएट कर देंगे। और इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाए, मैंने जीरो चैनल पे अपना मिलीएम्पियर सोर्स लगा रखा है, तो मैं इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम 4-20 मिलीएम्पियर का ये सिग्नल है तो 32.77 और 16383 पे ये स्केल करके देगा। मैं इसको थोड़ा अलग रीडिंग अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं कि मीन्स 4 मिलीएम्पियर पे हम 4000 सेंस करें और 20 मिलीएम्पियर पर ये 20,000 काउंट करें। तो ये हमने इसकी सेटिंग करी, ये बाकी छोड़ देते हैं। हमने एक ही चैनल पे अभी मिलीएम्पियर सोर्स लगा रखा है तो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया कि 4-20 मिलीएम्पियर पे 4000 से 20000 की इंजीनियरिंग ये एक रॉ काउंट को सेंस कर लेगा, यानी कि 4 मिलीएम्पियर आएंगे तो 4000 काउंट कर लेगा और 20 मिलीएम्पियर आएंगे तो 20000 रॉ वैल्यू को ये कन्वर्ट कर लेगा। तो ये हमने सेटिंग इसमें कर दी, क्लोज किया और ओके कर दिया। ये अभी इसमें ये कॉन्फ़िगर हो गया। इसको दोबारा से देखना है तो इसी पर डबल क्लिक करके इसमें देख सकते हैं कि सेटिंग हमारी ये है। तो अभी हमने एक एनालॉग इनपुट मॉड्यूल की सेटिंग कर ली है, 4-20 मिलीएम्पियर को कन्वर्ट करेगा 4000 to 20,000। ठीक है, तो अभी इसको हम स्केल कैसे करेंगे, मैं नई रूटीन बना लेता हूँ FBD में। इसका नाम डाल देता हूँ AI_SCL, एनालॉग इनपुट स्केलिंग, ये नाम दे दिया मैंने। अब इसमें ये स्केल ब्लॉक है, इसमें इसको क्लिक करेंगे और ये स्केल ब्लॉक को कोई नाम दे सकते हैं, सपोज AI_SCL और ये एक न्यू क्रिएट कर देंगे AI_SCL। हमने न्यू क्रिएट किया और इसके अंदर हम इसको बाहर दिखा देते हैं जो चीज़ें हमको चाहिए। लिमिटेशन वन कर देते हैं, आउटपुट इनेबल कर देते हैं और बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो इन है ये फील्ड से आएगा, यानी कि इस मॉड्यूल जो हमने I8C मॉड्यूल लगाया है इसके जीरो चैनल पे आएगा, वो वैल्यू हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और फिर ये इन रॉ और इन रॉ मिन और रॉ मैक्स
इसकी हम रेंज डाल देंगे, और इंजीनियरिंग मिन और इंजीनियरिंग मैक्स इसकी भी रेंज डाल देंगे, और फिर ये फाइनल आउटपुट निकल जाएगा। जैसे कि ये हम इनपुट इसमें डाल देते हैं, ये लोकल टू पे लगा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं टू पे, तो ये लोकल टू का चैनल जीरो यानी कि ये वाला चैनल हो गया। ये अभी जीरो दिखा रहा है क्योंकि अभी मिलीएम्पियर सोर्स ऑन नहीं है, बंद कर रखा है। और जो मैक्स है इंड्रा मैक्स, वो मैंने मॉड्यूल में जो कॉन्फ़िगर कर रखी है 20,000, ये वो डालेंगे मैक्स में। ये हमने डाल दी 20,000 और इन मैक्स में कर दिया कनेक्ट। और जो मिन है इन मिन, वो हमने 4,000 डाल रखी है, तो इसमें 4,000 डाल देंगे। तो ये हमने इधर कनेक्ट कर दी। अब जो इंजीनियरिंग, आप ये बाहर से कनेक्ट भी कर सकते हो और अंदर से भी डाल सकते हैं। इसको मान लीजिए इसमें हमने ये बाहर से कनेक्ट कर दिया, इसको हम अंदर से डाल देते। मान लीजिए ये 0 से 100 पे स्केल करना है, तो इसमें हम 0 से 100 डाल देंगे। ये हमने 0 से 100 डाल दिया, यानी कि ये अंदर हमने ये रॉ वैल्यू काउंट होके जो मिनिमम मैक्सिमम है कार्ड की, वो हमने यहाँ डाल दी, और रॉ वैल्यू यहाँ काउंट होके आएगी। तो ये जितना रॉ इन रॉ मैक्स की रेंज है, उसको 0 से 100 में स्केल कर देगा। आइए इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसको डाउनलोड कर देते हैं, ये मैंने ऑलरेडी कम्युनिकेशन कर रखा है इसका, ये हमने डाउनलोड किया और ये प्रोजेक्ट इसमें डाउनलोड हो गया। ये प्रोजेक्ट इसमें डाउनलोड हो गया, और डाउनलोड होने के बाद मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इसको 4 to 20 मिलीएम्पियर सोर्स पर सेलेक्ट कर दिया। अभी आप देख पा रहे हैं इसमें 9 पॉइंट, इसको थोड़ा पास ले चलते हैं, ये 9.99 शो कर रहा है। तो ये अभी स्केल का लॉजिक वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो इसने दिखा दिया 9,000 समथिंग। इसको मैं और मिनिमम करता हूँ, मान लीजिए इसको और कम कर देता हूँ। सपोज मैंने इसको 8 मिलीएम्पियर कर दिया, ये जैसे देख पा रहे हैं आप, ये मैं कम कर रहा हूँ, ये लमसम 8 मिलीएम्पियर के आसपास कर दिया है। तो 8 मिलीएम्पियर अगर मैंने इसकी स्केलिंग कर रखी है 0 से 100, तो 8 के हिसाब से 25 इसका स्केल होके आना चाहिए। ये अभी स्केल नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें हमने अभी इसको इनेबल नहीं किया है। इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक जंप सब रूटीन डालना पड़ेगा JSR, और स्केलिंग वाला जो रूटीन है उसको इनेबल करना पड़ेगा। इसको मैंने इनेबल कर दिया, अब ये लॉजिक चलेगा। अभी आप देख पा रहे हो जैसे ये 25 एनालॉग इनपुट दिखा रहा है। 25 क्या है, मैंने इसको 0 से 100 में मान लिया, मैंने ये एक लेवल ट्रांसमीटर है, तो लेवल ट्रांसमीटर में हमने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया। अब मैं एक इसका स्क्रीन की स्काडा की स्क्रीन बनाएंगे, ये हमने ऑलरेडी कुछ बना रखा है, इसी में हम टैग डाल देते हैं। सपोज ये जो है इसका जो टैग है, इसको डिलीट कर दो और यहाँ इस रिफ्रेश करते हैं, और ऑनलाइन में जाके ये आ गया। इसमें हम आउट जो इसका आउटपुट निकलेगा वो हम यहाँ पर शो कर देते हैं, साथ ही इसमें एनिमेशन भी फिल कर देते हैं। कि मान लीजिए इसमें अगर कोई AI स्केल, ये स्केल बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा, और इसमें भी वही टैग डाल देते हैं। और अगर मान लीजिए उसकी हमको रेंज चेंज करनी है, तो रेंज चेंज करने के लिए भी
हमको यहाँ से वो टैग इंजीनियरिंग यूनिट मैक्स और मिन का डालना पड़ेगा। ये मिन का डाल दिया मैंने और इसमें मैक्स का डालेंगे तो इंजीनियरिंग यूनिट मैक्स का डाल दिया। तो यहाँ से भी हम इसकी रेंज चेंज कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, इधर इधर कर देता हूँ। अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि हमने जो फील्ड से 8 मिलीएम्पियर जो दिया है सोर्स के थ्रू, तो इसने 8 मिलीएम्पियर इस एनालॉग इनपुट ने सेंस किया और अंदर इसने हमको 8000 काउंट रॉ काउंट किया और इसको हमने स्केल कर दिया 0 से 100 में। इसको हमने मान लिया कि ये लेबल है, ये अंदर तो सेंस कर लेता है संख्या रॉ काउंट करेगा, बट ये लेबल है क्या है वो चीज़ इसको पता नहीं होता। वो एक इंजीनियर ही डिसाइड करता है कि ये लेबल सेंसर है क्या है। तो लेबल है तो लेबल की तरह हम इसकी यूनिट डाल देंगे। ये हमने हाथ से लिख दिया परसेंट और इसका नाम दे दिया LT। तो ये हमने अभी 8 मिलियन पर दिया है तो ये 25 दिखा रहा। अब सपोज मैं इसको 12 मिलियन पर कर देता तो ये 50 दिखाएगा, 50%। ये मैं इस मिलियन पर बढ़ा रहा हूँ, आप इधर देख सकते हैं कि मैंने ये लमसम 12 मिलियन पर कर दिया है तो ये 50% दिखाने लगा। 50% थोड़ा ज़्यादा, 12 से ज़्यादा हो गया। अब जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे, मान लो 16 कर दिया तो ये 75% दिखाने लगेगा। तो ये फील्ड से जो 4 to 20 मिलियन पर जाएगा, ये मैं मिलियन पर दे रहा हूँ, ये 16 मिलियन पर से ऊपर हो गया। तो जितना भी ये मिलियन पर देगी PLC इसको सेंस करेगी। 20 कर देता हूँ मैं, ये 20 कर दिया मैंने, ये लमसम 20 हो गया, ठीक है ज़्यादा नहीं करना है, ये 20 हो गया। तो ये रॉ अंदर रॉ काउंट करेगा 20,000 समथिंग, ये देखो 20,000 के आसपास काउंट कर रहा है, थोड़ा सा कम है, इसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ये 20,000 हो गया। अभी ये 20,000 काउंट कर रहा है तो ये 100 शो कर दिया, इसका आडा पे इसने 100% दिखा दिया। यानी कि 20 मिलियन पर पे इसने 20,000 काउंट अंदर सेंस किए, उसको इसने स्केल करके 100 दिखा दिया, यानी कि फुल हो गया, 100% ये लेवल हो गया। अब इसको एक बार हम कम करते हैं। कम करने के लिए हम यहाँ से सोर्स को कम करेंगे और ये मिलियन पर कम हो रहे हैं तो ये सेंस करके बता रहा है ये कम हो गए 25-23 जो भी है। तो ये तो हो गया एक तरह से कि कैसे हमें एनालॉग इनपुट सेंस होता है और उसको कैसे स्काडा पे शो करते हैं और कैसे लॉजिक बनाते हैं। अब इसमें कोई पॉइंट, इसमें ये पॉइंट है, अगर मान लीजिए ये लेवल तो है, लेवल में तो फिक्स ही रहेगा, 0 से 100 दिखाते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि ये लेवल नहीं है, ये कुछ टेम्परेचर है, तो ये मेरे को मालूम है, इसी चैनल को हम ये मान लेते हैं इस पर कोई टेम्परेचर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई यहाँ से कोई सेंसर, मान लीजिए ये सेंसर यहाँ से लेते हैं और यहाँ मान लीजिए मैं एक सेंसर लगा देता हूँ और अब इसको हम एक तरह से लेवल न मान के एक इसको हटा देते हैं, ये लेवल का जो ये है इसको हम हटा देते हैं। अब हम इसको टेम्परेचर मानेंगे, ये लेवल नहीं है टेम्परेचर है मान लीजिए, तो हम इसे लिख देंगे TT, ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर की तरह यूज कर रहे हैं। तो अब इसकी जो यूनिट होगी वो चेंज हो जाएगी, यानी कि मैं इसको AC चैनल में हम लेवल न मानकर इसको हम टेम्परेचर मान रहे हैं तो इसको हम डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, तो हमने इसकी यूनिट चेंज कर दी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये अंदर कैसे टेम्परेचर के लिए अलग है, क्या लेवल के लिए या फ्लो के लिए, कुछ नहीं है। ट्रांसमीटर कोई सा भी हो, अंदर रॉ वैल्यू वही दिखाता है, एक संख्या दिखाएगा
उसको हमें समझना पड़ेगा। वो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की यूनिट लिख देंगे, लेवल है तो लेवल की यूनिट लिख देंगे, और फ्लो है तो फ्लो की यूनिट लिख देंगे, और उसको रेंज दे देंगे कि कितने रेंज का ये ट्रांसमीटर है। अब सपोज मैंने ये इसको दे दिया, अभी तो ये डिग्री सेल्सियस में दिखाएगा। सपोज मान लीजिए हमने इसको ये कर दिया, अभी ये 22 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा, हमारा सिग्नल वही का वही है, हमने इसको चेंज करके अपनी तरफ से इसकी यूनिट चेंज कर दी और कह दिया ये टेम्परेचर बन गया। पहले ये लेवल था, अब ये टेम्परेचर बन गया। अब मान लीजिए उसको ये टेम्परेचर की रेंज हमको चेंज करना है, ये तो मान लीजिए 250 की रेंज की है टेम्परेचर ये RTD, तो हम इसमें 250 डाल देंगे। तो 250 डालते ही ये आपको 56 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, अभी का जो टेम्परेचर है वो 56 दिखा रहा। अभी अगर हम इसको 20 मिलीएम्पियर कर देंगे तो ये 250 डिग्री सेल्सियस दिखाने लगेगा, अगर 12 करेंगे तो 125 दिखाने लगेगा। अभी इसको मैं बढ़ाता हूँ, ये मैंने मिलीएम्पियर बढ़ा दिए, अंदर अगर आप देखेंगे तो ये मिलीएम्पियर आपके करीब 16 हो गए, तो इसको मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, मैं 12 मिलीएम्पियर ले आता हूँ, ये लमसम 12 हो गए, 12 मिलीएम्पियर का मतलब ये 125 दिखाना चाहिए, इसको थोड़ा और कम करा देंगे तो 12 मिलीएम्पियर हो जाए, ये वो 125। अब आप देखेंगे कि ये 125 के आसपास आ गया, 12 मिलीएम्पियर के, यानी कि जिस इसकी जो मिलीएम्पियर हैं वो 12 मिलीएम्पियर मिल गए, तो इसको 125 दिखाने, अगर 20 दिखाएंगे तो 250 दिखाने लगे। तो इस तरह से ये अपनी स्केलिंग भी चेंज कर सकता है, तो हम अपने स्काडा से भी इसकी स्केलिंग चेंज कर सकते हैं। मीन्स सिग्नल एक ही हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सिग्नल हमारा क्या चीज का है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, फ्लो है, या फिर लेवल है, जो भी होगा उसको मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, उसकी यूनिट हमको लिखनी पड़ेगी। यहां तो ये 4 to 20 मिलीएम्पियर ही सेंस कर रहा है, ये मॉड्यूल जो है 4 to 20 मिलीएम्पियर ही सेंस करेगा, ये मॉड्यूल सेंस करके अंदर एक रॉ काउंट कर लेगा, और उस रॉ काउंट को हमें स्केल करके एक रीडेबल फॉन्ट में हम उसको दे देते हैं। अगर मान लीजिए इसकी मैं 100 कर देता हूं तो ये 50 दिखाएगा, यानी कि 8 मिलीएम्पियर पर 25 दिखाएगा, 12 मिलीएम्पियर पर 50 दिखाएगा, 16 मिलीएम्पियर पर 75 दिखाएगा, और 20 मिलीएम्पियर पर 100 दिखाएगा, क्योंकि हमने ये 100 दे दिया। तो इसकी स्केलिंग इस तरह से स्केलिंग हो जाती है। तो आज का टॉपिक इतना ही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे वीडियो आपको टाइम से मिल सकें, और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।